यूपी में गंगा, गोमती और घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रामगंगा, गर्रा, खनौत, राप्ती, बूढ़ी राप्ती और कानो शारदा ये नदियां हैं जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसके चलते गोंडा, शाहजहांपुर और हरदोई समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई हजार गाँव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। घर, खेती और रास्ते सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ के हालात चिंताजनक हो चुके हैं। लाखों लोग प्रभावित हैं। प्रशासनिक और सरकारी स्तर पर राहत बचाव कार्य तेजी से जारी है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया जा रहा है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और यूपी पीएसी के जवान लगाए गए हैं। कानपुर में गंगा नदी में बढ़ रहे जलस्तर से गंगा किनारे के 40 गांव में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस और प्रशासन की टीम ग्राम प्रधानों से संपर्क कर रही है। 24 घंटे में गंगा का जलस्तर 20 सेंटीमीटर बढ़ गया है। तहसील और पुलिस के अधिकारियों की तरफ से गंगा किनारे डेरा डाला गया है। बहराइच में बहने वाली सरयू नदी का जलस्तर कम होने के बाद अब कटान शुरू हो गया है। जिले की 4 तहसीलें मोतीपुर, नानपारा, महसी और कैसरगंज के दर्जनों गांव में कटान तेज हो गया है। अभी तक जिले में 50 से ज्यादा पक्के मकान नदी में समा चुके हैं और अगर नानपारा तहसील की बात करें तो यहां पर एक साथ 16 घर नदी में समा गए हैं। लोगों का ये कहना है कि खेती की जमीन तो पहले ही कट चुकी है और जो भी थोड़ी सी जमीन बची है उसमें पानी भरा हुआ है। रहने के लिए भी जगह नहीं बची है। चमोली के बद्रीनाथ धाम से करीब 1 किलोमीटर पहले कंचन गंगा में ग्लेशियर पिघलने की वजह से उफान आ गया। इसके बाद कंचन गंगा सड़क का 50 मीटर खिस्सा मलबे की चपेट में जाकर बह गया है। बद्रीनाथ धाम में भी लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए बस हादसे के बाद आरटीओ और पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। कानपुर में आरटीओ के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान हाईवे पर रोकी गई 60 सवारियों की क्षमता वाली स्लीपर बस में 115 यात्री सवार थे। इनमें 29 बच्चे शामिल थे। बस बिना परमिट के यहाँ पर चलाई जा रही थी। आरटीओ ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बस को सीज कर दिया है। बस को अरमापुर थाने में खड़ा किया गया है जबकि बस में सवार यात्रियों को दूसरी बसों से रवाना किया गया। बस का सेकंड ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मथुरा के बरसाना मंदिर में केक काटकर जन्मदिन मनाने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक और वीडियो ने हलचल मचा दी। यहां मंदिर परिसर में शादी का कार्यक्रम हो रहा था। शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। मंदिर के रिसीवर ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल सुरक्षा कर्मियों को मौके पर भेजा और शादी रुकवाई। बरसाना जी श्री मंदिर परिसर में ये शादी हो रही थी। वायरल वीडियो में दूल्हा दुल्हन कुर्सी पर बैठे हैं और वरमाला की रस्म की तैयारी चल रही थी। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके के रहने वाले दूल्हे की सूरत की लड़की से शादी हो रही थी। दूल्हे के पिता बेटे की शादी राधा रानी के चरणों में कराना चाहते थे। इसके लिए वो परिवार के साथ बरसाना पहुंचे और मंदिर के किसी पुजारी से बात कर शादी की रस्में शुरू कर दी। मंदिर परिसर में शादी का वीडियो वायरल होने के बाद रिसीवर प्रबंधन हरकत में आया और मंदिर के रिसीवर ने मंदिर में तैनात निजी सुरक्षा कर्मियों को भेजकर शादी को रुकवाया। और अगली खबर बिहार के दरभंगा से, जहां पर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मुकेश सहनी के पिता की उनके घर में हत्या कर दी गई है। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का शव घर में मृत पाया गया है। दरभंगा के घर में घुसकर धारदार हथियार से निर्मम तरीके से हत्या की बात सामने आई। घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस जांच में जुट गई है। खबर ये आ रही है कि मुकेश सहनी फिलहाल मुंबई गए हुए हैं। खबर मिलने के बाद मुकेश सहनी मुंबई से दरभंगा लौट रहे हैं। प्रदेश में सरकार द्वारा लगातार सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन बागेश्वर के उच्च हिमालयी क्षेत्र के सुंदर दुंगा में, जहां पर ग्लेशियर
में एक बाबा द्वारा सरकारी जमीन पर एक भव्य मंदिर बना दिया गया और ना ही पुलिस ना ही प्रशासन को इसकी भनक लगी। बाबा ने 5000 मीटर में मंदिर बनवा दिया, मंदिर पूरा भी हो गया, लेकिन अभी तक बाबा कहां से आए और कहां के रहने वाले थे ये किसी को पता नहीं चला है। मामला तब उजागर हुआ जब स्थानीय लोगों ने इस पवित्र मंदिर का कुंड के पास बनाने का विरोध किया। तब सारा मामला उजागर हुआ। ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर प्रदर्शन किया और उनका कहना है कि कपकोट में 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित देवी कुंड में एक युवक जो खुद को संत बता रहा है, उसके द्वारा देवी कुंड में स्नान किया गया, जिस पर दानपुर समिति और बदियाकोट क्षेत्र के ग्रामीणों ने कड़ी आपत्ति जताई है। ग्रामीणों ने बताया कि देवी कुंड एक पवित्र कुंड है जिसमें देवी माँ स्नान करती है और इस स्थान में नहाना तो दूर पानी भी नहीं पी सकते। कपकोट क्षेत्र के ग्रामीणों ने आज जिलाधिकारी से मुलाकात कर देवी कुंड की पवित्रता बनाए रखने की मांग की है। साथ ही आस्था को ठेस पहुंचाने वाले आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हम जो बाबा जी ने वहाँ पे जो प्रयास किया है वहाँ पे कुंड में नहाने की, और उसके लिए हम बहुत ही विरोध में हैं। वहाँ पे जो कुंड है उस पे छेड़छाड़ न करें, वो खाली देवी उसमें वहाँ पे स्नान करती है और कोई नहीं करते हैं। बाबा जी वहाँ जाके स्नान कर रहे हैं और उस कुंड में छेड़छाड़ कर रहे हैं। वहाँ पे मंदिर बना रखा है और जो वहाँ पे नहा रहे हैं उसके लिए हम बहुत ही वहाँ पे पूरी क्षेत्र जो हमारे मल्ला दानपुर जो आस्था हमारी जुड़ी है। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।